वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर इंडियन ओटाकू। तो आज मैं फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू करने वाला हूँ अदाची टू शिमामोरा उर्फ अदाची एंड शिमामोरा एनिमे का, जिसे हितोमा हिरोमा की लिखी हुई लाइट नॉवल सीरीज से अडेप्ट किया गया है। तो चलो देखते हैं कि एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में ऐसी क्या खास बात है जिसके चलते तुम लोगों को ये एनिमे देखना भी चाहिए या नहीं। तो ओटाकुस, ये एक यूरी एनिमे है और मेरे ख्याल से इस सीजन काफी एनिमे ऐसे आए हैं जिनमें प्रोटोगनिस्ट फीमेल कैरेक्टर्स हैं। वैसे मैं इस एनिमे को देखने के लिए इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि ये मेरा पहला यूरी एनिमे होने वाला है, लेकिन एनिमे के फर्स्ट एपिसोड ने मुझ पर ज्यादा कुछ खास इम्प्रेशन नहीं छोड़ा। खैर, अदाची एंड शिमामोरा एनिमे का जॉनर है स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस, स्कूल और यूरी। बात करें एनिमे के स्पॉइलर-फ्री प्लॉट की, जो फॉलो करता है अदाची और शिमामोरा को, दो यंग गर्ल्स जो एक ही क्लास में पढ़ती हैं और धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं, जहां वो दोनों हर दिन टेबल टेनिस खेलकर अपने फेवरेट टीवी शो के बारे में बात करके या फिर सिर्फ रिलैक्स करते हुए अपना टाइम स्पेंड करती है। लेकिन जैसे ही अदाची की साइड से फ्रेंडशिप का रास्ता रोमांटिक अट्रैक्शन का मोड़ लेने लगता है, तब उनकी रिलेशनशिप में भी चेंजेस आने लगते हैं और उसके आगे क्या होता है या फिर क्या होगा, ये जानने के लिए हम सबको एनिमे देखना पड़ेगा। हालांकि फर्स्ट एपिसोड में सिर्फ ये दिखाया गया है कि अदाची और शिमामोरा कैसे मिले, फिर दोस्त कैसे बने, साथ ही उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना क्यों पसंद है या फिर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें क्या हासिल होता है। और एपिसोड में बार बार एक बच्चे को भी दिखाया जाता है जिसने स्पेस सूट पहना होता है। वो बात अलग है कि एनिमे में उसे ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे वो सचमुच का एस्ट्रोनॉट हो। एनिमे के एनिमेशन पर बात करें, जिसे एनिमेट स्टूडियो टाइजुको प्रोडक्शन कर रहा है, जिसने इससे पहले द क्विंटेंशियल क्विंटुप्लेट्स एनिमे को भी एनिमेट किया है। तो एनिमेशन एनिमे का अच्छा है, जिस साइकिल वाले सीन को पॉइंट आउट करना मैं कैसे भूल सकता हूँ। साथ ही टेबल टेनिस वाले सीन को भी अच्छे से एनिमेट किया गया है। आर्ट स्टाइल भी एनिमे का अच्छा है, जहाँ विजुअल्स काफी प्यारे लगते हैं, साथ ही कलरिंग भी काफी अच्छे तरीके से की गई है। वहीं कैरेक्टर डिजाइन से एनिमे के मुझे ठीक ठाक ही लगे, क्योंकि आगे जाके कैरेक्टर्स के चेहरों में तुम्हें सिमिलैरिटी देखने को मिल सकती है, वरना वैसे तो मेन कैरेक्टर्स काफी प्यारे लगे मुझे। बात करें कैरेक्टर्स की, जिसमें अदाची मुझे इंट्रोवर्ट टाइप की लगी, जिसका शिमामोरा के अलावा फिलहाल दूसरा कोई फ्रेंड नहीं है। फिर आती है शिमामोरा, जिसके अदाची के अलावा फ्रेंड्स तो हैं पर फिर भी उसे अदाची के साथ रहना ही पसंद है। वैसे ये दोनों तुम्हें क्लास में कम, क्लास से बाहर ज्यादा देखने को मिलेंगी और दोनों ही एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानना चाहती हैं। अब बारी आती है एनिमे के साउंड ट्रैक की, जिसमें ओपनिंग सॉन्ग किमी नी आयता ही, संग बाय अकारी कितो और मिकू इतो, जिन्होंने अदाची और शिमामोरा के कैरेक्टर्स को वॉइस दी है, और ये सॉन्ग मुझे सुनने में कुछ खास नहीं लगा। तो दूसरी तरफ एंडिंग सॉन्ग किमी नो तोनारी दे, संग बाय अकारी कितो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। वही बात रही बैकग्राउंड म्यूजिक की, जिसकी प्रेजेंस एपिसोड में मुझे ना के बराबर ही लगी, जिसके चलते फिलहाल के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक को मैं एवरेज ही कहूंगा। एनिमे में टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स 12 होने वाले हैं और एनिमे का लाइसेंस क्योंकि फनीमेशन के पास है, जिसके चलते जल्द ही तुम्हें एनिमे इंग्लिश डब के साथ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल एनिमे का फर्स्ट एपिसोड मुझे ठीक ठाक ही लगा, जहाँ कहीं कहीं जगह पर मैं बोर भी हुआ हूँ। हालांकि एनिमेशन अच्छा है, वॉइस एक्टिंग भी कैरेक्टर्स पर फिट बैठ रही है। वहीं एपिसोड देखकर मुझे ये भी लगा कि एनिमे में आगे जाके हमें ड्रामा भी देखने को मिल सकता है। एट लास्ट मैं तुमसे इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड ट्राई करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि क्या पता जो मुझे अच्छा ना लगा वो तुम्हें पसंद आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। और अगर सब्सक्राइब कर ही लिया तो साथ में बगल में दिए घंटे के आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।